मदरसों में राष्ट्रीयता की शिक्षा नहीं दी जाती है, वहाँ आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। साक्षी महाराज के बयान के लिए क्यों भूल रहे हैं? ये तो कई दिनों से दिमागी कसूर से भरे हुए लोग हैं। नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। किसी के मकसद पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल उठाने वाले के मकसद पर भी सवाल किए जा रहे हैं। दरअसल जिस मामले की चर्चा हम करने जा रहे हैं उसकी गंभीरता ना सिर्फ सियासत की वजह से है बल्कि उसके दायरे में देश और उसकी तहजीब भी है। बात बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के उस बयान की हो रही है जो उन्होंने मदरसों पर दिया है या फिर लव जिहाद पर भी। जाहिर है बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और अब हमें इसके तार्किक नतीजों का इंतजार है। मदरसों में राष्ट्रीयता की शिक्षा नहीं दी जाती है, वहाँ आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। साक्षी महाराज के बयान के लिए क्यों भूल रहे हैं? ये तो कई दिनों से दिमागी कसूर से भरे हुए लोग हैं। तो अब तफसील से शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने विवादित बयान दिया है या फिर यूं कह लें कि उनके बयान में विवाद का नजरिया पैदा कर किसी किस्मत की सियासत को अंजाम दिया जा रहा है, किसी किस्म की सियासत को। साक्षी महाराज ने मदरसों की पढ़ाई और उसके मकसद को सवालों के घेरे में लाया है, साथ ही लव जिहाद को भी। लेकिन क्या ये बयान सिर्फ और सिर्फ चुनावी मौके की नजाकत को देख कर दिया जा रहा है? साक्षी महाराज के बयान और उसके असर को देखिए। मदरसों में राष्ट्रीयता की शिक्षा नहीं दी जाती है, जैसे हमारे स्कूल सरकार से पैसा लेते हैं बल्कि अधिकांश नहीं भी लेते हैं, पर मदरसों को सबको राष्ट्रीय सहायता दी जाती है। मुझे आप एक मदरसा बता दिए सिंगल जिसमें 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता हो। आखिरकार क्यों हरे झंडे फहराए जाएंगे, तिरंगा नहीं फहराया जाएगा? ये क्या, ये हो क्या रहा है? और नंबर दो, वहां आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जो कह रहे हैं वो उसके साक्षी हैं या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन इस बयान से साक्षी महाराज ने बीजेपी के सामने सियासी मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी हैं। लव जिहाद के बाद मदरसों में आतंकियों के बनने की बात धर्म के बगैर सियासत नहीं करने की बात को ही साबित करता है। जाहिर है साक्षी के बयान की मुखालफत बीजेपी के मुस्लिम नेता कर रहे हैं। अगर किसी को भी किसी तरह की भी इस तरह की पुख्ता जानकारी है तो उन्हें जो है वो उपयुक्त एजेंसीज को, सरकार को शेयर करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट कहीं ना कहीं विकास और विश्वास के एजेंडे पर पलीता लगाने का काम करते हैं। साक्षी महाराज ने मदरसों के बाहरी फंडिंग के मकसद को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन विरोधी मानते हैं कि बीजेपी की ये कोशिश सिर्फ और सिर्फ चुनावी कसरत है और इन बयानों को तवज्जो देना देश की एकता को खतरे में डालने को दावत देना है। ये कौन साक्षी महाराज के बयान के लिए क्यों घूम रहे हैं? ये तो कई दिनों से दिमागी फितूर से भरे हुए लोग हैं। तब इनको जब बन गए कोई जगह एमपी बन गए तो ये तो उस तरह थे ही पहले। बात तो मकसद की ही है, मदरसों का मकसद क्या है और साक्षी के बयान का मकसद क्या है? किसी को इनकी हकीकत की तलाश करने की दरकार हो सकती है, मगर देश को दरकार है कि सियासी मकसद से पैदा होने वाले धर्मों के टकराव से बचा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दूसरी तरफ साक्षी महाराज के बयान का विरोध भी हो रहा है। आरोप लग रहा है कि कई सूबों में होने वाले चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की सियासत की जा रही है और इसके असर के दायरे में झारखंड के साथ बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। लेकिन क्या माना जाए कि लव जिहाद के बाद मदरसों की बात किसी तहकीकात का भी हिस्सा हो सकता है? बीजेपी के विरोधी तो सीधे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी हिडन एजेंडा पर काम कर रही है और इसके नेता कई राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले सांप्रदायिकता को सियासी शक्ल दे रहे हैं।
सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे और झारखंड चुनाव से पहले तारा शाहदेव का लव जिहाद मसला कहीं उसी शक्लो सूरत को तो नहीं पेश कर रहे। जब इलेक्शन आता है तो यही सब प्रचार करते हैं, इलेक्शन के बाद उनकी गवर्नमेंट हो तो कहें तो धर्म प्रचार हो रहा तो पकड़ के ले जाए जेल में, कौन रोक रहा है, कोई रोक रहा है क्या? अरे किसी को आज तो मोदी की सरकार है सेंट्रल में, अगर हो रहा है तो रुके। देखिए ये सब चीज़ गलत तरीके से प्रचार, पॉलिटिकल आदमी को हिंदुस्तान में सभी लोगों को रहने का हक है। दरअसल बीजेपी नेताओं ने ही लव जिहाद को उस बहस का हिस्सा बना दिया है जहां धर्म के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण को हकीकत मान लिया जाए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में 80 में से 71 सीटें हासिल की और केंद्र में सत्ता भी मिल गई। अब नज़र बिहार और झारखंड पर भी है, लेकिन क्या लव जिहाद और मदरसों में आतंकी बनाने के लिए की जा रही फंडिंग जैसे आरोप वोट हासिल करने पर भी असर डालते हैं, कहना मुश्किल है। वैसे एक तरफ बीजेपी नेता इन दो मसलों पर अभियान छेड़ने की हद तक पहुंच गए हैं तो दूसरी ओर तारा शाहदेव भी मुकम्मल तहकीकात की बात कहती हैं। ये सच्चाई है कि इसके तह में जाने की ज़रूरत है, आखिर कोई धर्म परिवर्तन करके किसी को फंसा करके अपना नाम बदल करके किसी को फंसाना, शादी करना, अधर्म परिवर्तन कराना। और उतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, एक कांड तो हुआ है, मैं खुद ही जबलपुर गया था, ये लुधियाना, वहाँ यही कांड हुआ, उस लड़की को रिकवर किया गया तो उसने अभी बयान दिया है कि इतना ही नहीं करते थे। वहाँ मैंने देखा कि और वही लड़का और लड़कियों को फंसा करके लाता था, उसको गो मांस खाने पर मजबूर किया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो एक साजिश के तहत, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश के तहत काम हो रहा है। हालात वहाँ पे देखे थे, जिस तरीके से ग्रीन करेंसी जो मैंने देखा था, जो मैं समझ भी नहीं पाई कि किस देश का वो है, क्योंकि तुरंत से मेरे दरवाजे मुंह पे बंद कर दिए गए थे। तो फिर मैंने ये बातें कही थी कि सर NIA की जांच कराइए, उसमें आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी, क्योंकि ये लोग कहते थे मुझे कि ये जो सर्कल है हम लोगों का बहुत बड़ा है, ना तुम पहली लड़की हो ना आखिरी हो। जिस तरीके से मुझे प्रेशर दिया गया कि किसी भी हाल में तुम्हें कबूल करना है, नहीं की जाओगी तो बेच दी जाओगी। वैसे सियासी तौर पर इसके साबित होने में ज़्यादा दिन नहीं, राज्यों के चुनाव के बाद ये मामला अगर किसी तार्किक नतीजे को हासिल करता दिखेगा तो समझिए कि मामला गंभीर हो सकता है, वरना साबित होगा कि मामला सियासी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। तो इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एजाज अली, RJD के नेता हैं, उषा विद्यार्थी जी MLA भाजपा से, प्रेमचंद मिश्रा जी उपाध्यक्ष बिहार कांग्रेस के, आलोक रंजन जी हिंदू जागरण मंच से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक पर्सपेक्टिव के लिए सबसे पहले हम चलते हैं प्रेमचंद मिश्र जी आपके पास। हम जानना चाहते हैं, कई राज्यों में चुनाव होने हैं और उसके ठीक पहले इस तरीके के बयान, मेनका गांधी जी का भी एक बयान आया, साक्षी महाराज के बयान को हमने आपको दिखाया, इसके पहले योगी आदित्यनाथ का बयान, और लंबी फहरिस्त है इस तरीके के बयानों की। क्या निकाला जाए इसका निष्कर्ष? समाज को विभाजित करो और वोट की राजनीति खुद ही परवान चढ़ेगी? देखिए, मेरा इसमें स्पष्ट मानना है कि बीजेपी जिन वादों को आधार बना के जनता के बीच में चुनाव मैदान में गई थी, खासकर श्री नरेंद्र मोदी जी की जो अपनी शैली थी और जो वादे उन्होंने किए थे, अगर हम ज़्यादा विस्तार में ना जाएं तो खासकर सीमा पार आतंक बात को लेकर बार बार बोलते थे और हमारी सरकार को बोलते थे कि कमज़ोर सरकार है, पाकिस्तान और चाइना को जवाब नहीं दे पाते हैं ये लोग। उसी में उन्होंने 56 इंच के सीना का भी बात किया था। महंगाई को लेकर रोज़ हमें गालियां देते थे कि ये महंगाई कांग्रेस के वजह से है, हमारी सरकार आएगी बस चुटकी में महंगाई ख़त्म हो जाएगी। बेरोज़गारी मिटाने की बात की थी, काला धन वापस लाने की बात की थी। लेकिन चुनावी मैदान में भाषण देना और फिर सत्ता में आने के बाद शासन करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जो अब एहसास श्री नरेंद्र मोदी जी को या उनके साथियों को हो रहा है। तो आप देखेंगे कि लगातार, ये कोई पहला बयान नहीं है जो उनके साक्षी महाराज जी जो ने आज दिया है, इस तरह के बयान हर 2-4-5 दिन के अंतराल पे किसी न किसी बीजेपी के या तो बड़े नेता की तरफ से आता है या उनके सरकार में शामिल। एक दिन नजमा हफ्तुल्ला जी का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला सब हिंदू है। इससे पहले आप मंत्रियों के और बयान आए थे, एक धारा 370 की बात उठा दी गई थी एकाएक, फिर बाद में से हुआ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम इसे वापस ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यह महसूस कर रही है कि जो लंबे चौड़े हमने वायदे किए
वो वायदे तो हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को अब निराशा बढ़ रही है, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि हमें ठगा गया, छला गया, और उस चीज़ों को जो वादे किए गए थे, न काला धन वापस के लिए कोई कदम आगे बढ़ाए, न महंगाई कम हो पाई। पाकिस्तान ने अब तक 95 बार सीमा पर सीज़ फायर का उल्लंघन किया है। चाइना का तरफ से परसों ही देखा कि कितने किलोमीटर अंदर हमारे यहाँ आए हैं, और गृह मंत्री वो बयान दे रहे हैं कि ये तो आम तौर पे लोग आ ही जाते हैं फिर वो चले जाते हैं। तो ये काम पहले भी होता था, लेकिन उसमें हमारे नेतृत्व को कमज़ोर कहा जाता था, तो आज क्यों नहीं श्री मोदी के नेतृत्व को हम कमज़ोर कहें। तो वो जो विफलताएँ हैं उसको ढकने के लिए बड़े ही प्लान्ड वे में बीजेपी ने, उनके नेताओं ने, आरएसएस ने, चाहे मोहन भागवत जी का कई बार बयान आया है, ध्यान बटाने के लिए ये हिंदुत्व एजेंडा जो उनका हिडन एजेंडा है उसको थोपने के लिए कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं इससे मतदाताओं में एक नया वातावरण बन जाए, उन्माद का वातावरण बने, सोसाइटी में मिसट्रस्ट कायम हो जाए, ताकि एक वर्ग विशेष को हम ये कह सकें कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, और मूलभूत समस्याओं से लोगों का ध्यान हट जाए, फिर चुनाव में इसका लाभ हम ले लें। तो ये तमाम चीज़ें मैं इसमें देख रहा हूँ, और यही वजह है कि बीजेपी के एक एक लोग हर बार इस तरह के बयान देते हैं जिससे हिंदू पोलराइजेशन हो सके। तो ये मैं समझता हूँ कि वो प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले से कहा कि हम 125 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री हैं और हम उसके लिए सोचते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो क्या ये बयान जो उनके नेता लोग दे रहे हैं, तो आखिर श्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? आज तक एक बयान उनका नहीं आया, किसी को उन्होंने नहीं रोका, न टोका, न उस पर कोई बयान जारी किया, न पार्टी की तरफ से मनाही हुई। तो आखिर कहीं ना कहीं उनका परोक्ष समर्थन है, वो देश में उन्माद की राजनीति करना चाहते हैं, और एक तरह से ये पाखंड है, हिंदू लव जिहाद का नाम आप ले लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, इवन मदरसा के बारे में बोल रहे थे। मैं स्ट्रांगली इसका विरोध करता हूं। मैं सैकड़ों मदरसा के नाम गिना दूंगा बिहार में जहां 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, किसी मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई नहीं होती है। और सच ये है, मैं आज पब्लिक के बीच में इस बात को रख रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपने आप को देशभक्त संगठन कहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा नहीं फहराया जाता है। अगर यह बात गलत है तो मैं अभी जेल जाने को तैयार हूं। आलोक रंजन जी सफाई देंगे, उन्हें बताना। आलोक रंजन जी आप सफाई देंगे? मैं तो कहना चाहता हूं कि 2010 से लगातार हम पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं लव जिहाद के लिए। 2010 में ये घटना घटी केरल के कोझीकोड से, और वहाँ 2000 के आसपास लड़कियाँ गायब हुई। हमने सोचा कहाँ गया, तो हमारे संगठन के लोगों ने काम करना शुरू किया, तो वहाँ पर पता चला कि ये लव जिहाद हो रहा है, और ये जिहाद आज से नहीं हो रहा है, ये जिहाद इस्लाम के स्थापना काल से है। आंकड़े बताते हैं 2500, आप 2000 करें, आंकड़े जो है अभी नेट पे अवेलेबल 2500 के। हाँ, तो उस समय की, अभी ये, और ये लव जिहाद आज की नहीं है। जब रानी पद्मिनी हमारी थी तो उन्होंने 16000 छत्रानियों के साथ जौहर किया था राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, और अलाउद्दीन खिलजी उन पर बुरी नज़र रखने के लिए गया था। अकबर ने जोधाबाई का अपहरण करके उसके साथ धर्मांतरण करने का प्रयास किया। बाद में ये चूंकि छत्रानी सी काफ़ी संघर्ष की, तो उससे वो कहे कि आप जो हैं अपना धर्म स्वीकार कर लीजिए, आप अपना मंदिर में पूजा पाठ कीजिए। लेकिन लाजमी निश्चित रूप में है कि ये पहले उसके बेटों का क्या हुआ, उसका बेटा हमने कई ऐसे एग्जांपल दिए। देखिए, हर घर में तकरीबन कुछ ना कुछ झगड़ा फसाद बना रहता है। हमारे सामने समक्ष कई ऐसे उदाहरण है जब हिंदू पति मुस्लिम पत्नी, या फिर हम उल्टा इसको कर लें, और काफी अच्छे से उनकी जो है जिंदगी बसर हो रही है। आखिर अब उनकी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश क्यों? ऐसा है ही नहीं, हम हजारों उदाहरण इसका देते हैं। या तारासा देव का हो, आज भागलपुर के अंदर पीछे 4 वर्षों में 164 हिंदू लड़कियां गई है, आज वहां FIR हो रहा है जब हम लोगों ने प्रयास किया। हम बिहार में 3 वर्षों पहले काम शुरू किए हिंदू जागरण मंच का, तब हम जिले में गए। छपरा में परसों 2 व्यवसायी की लड़की को मुसलमानों ने अपहरण किया, वहाँ FIR नहीं हुआ। हमने जब प्रेशर डालना शुरू किया, पुतला जलाया, तो प्रशासन कह रहे कि हम काम कर रहे हैं। आज आपको भी पेपर मीडियम से, और हमने 310 गायें इसी पहाड़ी पर पकड़ा है और उसे गौशाला में दिया, तो ये बिहार की सरकार उसको चारा नहीं दे रही है। आलोक रंजन जी, अगर आपकी बात को सही भी मान लिया जाए तो ये प्योरली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पुलिस को अपना काम करने दे सकते हैं, इस पर सियासत आखिर क्यों? नहीं, पुलिस को काम करने दे रहे हैं, लेकिन पुलिस काम नहीं करना चाह रही है, क्योंकि लव जिहाद ये छोटा विषय नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। आज मोहम्मद अकरम जो है पाकिस्तान का तेज गेंदबाज था, किससे शादी करता है? आज सानिया परवीन, सानिया को एतराज नहीं, आपको क्यों एतराज हो रहा है उस पे? एतराज इसलिए है कि इस देश में नहीं थे क्या युवा? सानिया तो खुश है। इंटरनेशनल टेररिस्ट, इंटरनेशनल जो है साजिश के तहत ये काम कर रहे हैं,
अंतरराष्ट्रीय उषा विद्यार्थी जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक सबमिशन दे देता हूँ, एक सबमिशन पहले हम प्रेमचंद जी को सुन लेते हैं, फिर हम उषा जी के पास जाते हैं। इन्होंने जो चीजें कही हैं मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, इनके पार्टी बीजेपी के दो बड़े नेता, हमारी पार्टी बीजेपी नहीं है पहली बात, एक सेकंड, फिर आप खंडन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी बिहार में अगर ये दावा कर रहे हैं कि 2010 से लव जिहाद हो रहा है, हमारी लड़कियां बाहर भेजी जा रही हैं, तो श्री सुशील कुमार मोदी उस सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग इस सरकार में बिहार में मिनिस्टर बन के क्या कर रहे थे? क्यों नहीं उन्होंने हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण? छोटी सी टिप्पणी लेते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक भी लेना होगा। जी उषा जी, जिस प्रकार से ठीक कर रहे हैं कि हिंदू जागरण मंच की ओर से जो इनकी कार्यक्रम चल रही है बिहार के अंदर, वो अभी छपरा में, भागलपुर में, सीतामढ़ी में ऐसा लग रहा है कि लव जिहाद के नाम पर एक अलग प्रकार का हिंदुत्व के खिलाफ वातावरण बन रहा है, जो हिंदू लड़कियों को या हिंदू जो पुरुष भी हैं उनको धर्मांतरण करने के लिए पैसे देकर, और ठीक ही कहा कि FIR भी नहीं लिया जा रहा है, इसे कोई साक्ष्य तो है नहीं, साक्ष्य है अखबार में, आप कह रहे हैं इसका साक्ष्य क्या है? नहीं, साक्ष्य यह है कि 20,000 रुपये देकर अभी भी भागलपुर में इन लोगों ने ले जा करके उनका धर्मांतरण किया। आप 20,000 की बात कर रही हैं, और साक्षी महाराज का कहना है कि हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराया जाए शादी की, उसके बाद तो 10 लाख मिलेंगे। नहीं नहीं, उसके बाद फिर उसकी पत्नी ने इस पर हस्तक्षेप किया कि हम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, फिर दोबारा उसको ले जा करके अभी भी वहाँ उन लोगों ने बंद करके रखा हुआ है कि नहीं अब तुम घर पर नहीं जाओ, और 20,000 रुपया में धर्म परिवर्तन। कहने का तात्पर्य यह है कि हम हिंदू हैं और हिंदू में रहने वाले हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सब हिंदू हैं, फिर इस प्रकार से धर्म परिवर्तन करके लड़कियों को बाला फुसला के या पुरुष को भी पैसा देकर धर्म का परिवर्तन करना कहाँ तक उचित है और क्यों ऐसा हो रहा है? इस पर किसका नियंत्रण है? क्यों नहीं इस पर रोक लग रही है कि हम अपने धर्म से, अपने स्वेच्छा से अगर धर्म परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं? इसमें भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कह रही है कि जाकर के लड़कियों को लेकर आप धर्म परिवर्तन करें, और भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी कि इस प्रकार से बयान आ रही है, समाज को खंडित करेगा। हमने देखा कि क्या हुआ 27 अगस्त 2013 में मुजफ्फरनगर में, क्या हुआ, एक मामूली सी छोटी सी घटना क्या रूप धारण करती और कितने लोग जान गंवाते हैं। 4 लाख से ज्यादा लोग बेघर थे और महीनों तक कड़कती हुई ठंड में वो बाहर रह रहे थे। ऐसी स्थिति फिर से आपको उत्पन्न होती नजर नहीं आ बिल्कुल है? अगर यही स्थिति रही कि जबरदस्ती अगर किसी को धर्म का परिवर्तन हम कराने का प्रयत्न करते रहेंगे और उस पर कोई रोक नहीं लगेगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये कौन लोग हैं, कहां से आकर के, और एक लव जिहाद नया शब्द देना, किसी की शादी करके फिर उसको छोड़ देना, फिर दूसरी लड़की से शादी कर, आखिर इसके तह तक जाने की जरूरत है? तह तक जाने की जरूरत है, सवाल क्यों आखिर प्रेमचंद जी थोड़ा सा रोका भी हो रही है, अपनी पत्नी को छोड़ा हुआ है, हमारी मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की। मदरसों में राष्ट्रीयता की शिक्षा नहीं दी जाती है, वहां आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। साक्षी महाराज के बयान के लिए क्यों भूल रहे हैं? ये तो परिजनों से दिमागी फितूर से भरे हुए लोग हैं। मदरसों में राष्ट्रीयता की शिक्षा नहीं दी जाती है, वहां आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। साक्षी महाराज के बयान के लिए क्यों भूल रहे हैं? ये तो परिजनों से दिमागी फितूर से भरे हुए लोग हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बड़ी बहस में स्वागत है, डॉक्टर एजाज अली साहब। ब्रेक पे जाने के पहले हम आपके पास नहीं पहुंच पाए थे, अब आपके पास आते हैं। एक अहम सवाल, तथाकथित लव जिहाद से भी ज्यादा खतरनाक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हो रहा है ये सियासी जिहाद, आपकी टिप्पणी? देखिए, सही माने में तो इस मामले में पहले समझना होगा कि जिहाद है क्या। जिहाद एक तो खुद में पाक शब्द है, पाक ही नहीं, सिर्फ एक अरबी का शब्द है जिसका माने होता है जद्दोजहद करना, संघर्ष करना।
और ये किसी ख़ास मज़हब से जुड़ी बात नहीं है। आप यहाँ का एग्जांपल लीजिए, जहाद के देते हैं कि एक मांझी ने पहाड़ काट के गया में रोड बनाया था आवाम के लिए, वो एक जिहाद था। उसी तरह से महात्मा फुले ने लड़ाई लड़ी समाज के लिए, अंबेडकर सर ने समाज की लड़ाई लड़ी, मंडल लड़ी, ये सब सब जिहाद में आए। जो आईसिस कर रहा है वो जिहाद नहीं है, देखिए जो लश्कर ए तैयबा कर रहा है वो जिहाद नहीं है, अलकायदा कर रहा है वो जिहाद नहीं है, वो गलत नॉमिनेशन दिया गया है। चूंकि ये सारे अल्फाज आपके दिए अमेरिका के हैं, इसराइल के हैं, तो वो इस्तेमाल करेगा ही। इसीलिए मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि ये तथाकथित लव जिहाद शब्द का जो नाम दिया गया, उसको क्रिश्चन किया गया, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये सियासी जिहाद है। देखिए पिछले दफा भी जब एनडीए की सरकार बनी थी तो जो बातें आज सामने आ रही हैं वही बातें उस वक्त भी आया करती थी। आप देखिए, जहाँ तक मदरसों का सवाल है, ये बहस शुरू हुई थी मदरसों के बाद से, तो हम तो खुद ही मदरसा के प्रोडक्ट हैं, लेकिन हम मदरसे में भी पढ़े, फिर ज़िला स्कूल में भी पढ़े, साइंस कॉलेज में पढ़े, पीएमसी में पढ़े, आज एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं समाज के, अब सेवा कर रहे हैं लोगों का। मदरसों का जहाँ तक सवाल है, जो लफ्ज आ रहा है, बात जो सवाल उठाया उसका जवाब आप दे सकते हैं, मदरसे में झंडा भी फहराया जाता है और वहाँ पर राष्ट्रवाद की भी तालीम दी जाती है। मदरसे जब भी एनडीए सरकार बनी ये बात उठी है, मदरसा ट्रेडिस्टों का अड्डा है, यहाँ पढ़ाई होती है। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे, हेमंत करकरे, शहीद हेमंत करकरे ने जो आतंकवाद के नाम पर, यह बॉम्ब ब्लास्ट के नाम पर जो रिपोर्ट दी थी, उसमें उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को मुजरिम ठहराया था, दयानंद पांडे को मुजरिम ठहराया था, कर्नल पुरोहित को मुजरिम ठहराया था, और भी कई लोगों का नाम आया था। आप बता दीजिए कि इनमें से ये आतंकवादी उस वक्त माने गए थे जो बम ब्लास्ट किए थे, इनमें से कितने लोग थे जो मदरसे के पढ़े हुए थे, आप हमें बता दीजिए, नंबर एक। दूसरी चीज़ हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि बॉर्डर जो हमारे हैं, हिंदुस्तान के बॉर्डर हैं, सरहद हैं, वहाँ पर इधर के फौजी खुफिया बातों को उधर के फौजों, दुश्मन फौजों को देते हैं, उसमें आप बताइए कितने मदरसे के पढ़े हुए लोग होते हैं। इस देश में जो घोटाला हुआ, जो यहाँ के लोग, जो अंग्रेजों ने नहीं लूटा, यहाँ के लोगों ने खुद लूट लिया, उसमें आप बताइए हम कितने मदरसे के पढ़े हुए लोग हैं। जिस तरह से काला धन लोग इस मुल्क का लूट के बाहर मुल्कों में रखा है, उसमें आप बता दीजिए कितने मदरसे पढ़े। ये सब देशद्रोही काम है, लेकिन सिर्फ बदनाम करने के लिए और पॉलिटिकल गेनिंग के लिए ये लोग करते हैं, जो समाज को समझना होगा। आपके माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं। उषा विद्यार्थी जी, क्यों नहीं आखिर समझ लिया जाए ये कि अब कई जो है राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उत्तर प्रदेश में 71 सीटें आप ले गई, कहीं ना कहीं इसी तरीके के का विषाक्त वातावरण वहाँ पे भी पैदा किया गया था, और फिर बीजेपी एक बार, ये आरोप लग रहा है आपके ऊपर तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा, एक बार फिर बीजेपी वही टेस्टेड फॉर्मूला की ओर बढ़ती नजर आ रही है, तभी इस तरीके के बयान आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी टेस्टेड फॉर्मूला पे नहीं आ रही, ये तो परिस्थितियां वैसी बनाई जा रही हैं। परिस्थितियां तो मुजफ्फर मुजफ्फरनगर में भी बनाई गई थी। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई थी, जो बनाया वो सारी बातें आपको ध्यान में है, लेकिन जो जितने भी बयान आए थे, हुकुम सिंह हो, भारतेंदु जी हो, सुरेश राणा जी हो, संगीत सोम जी गिरफ्तार होते हैं, बाहर निकलते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी। नहीं, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो केवल जो गलत हो रहा है, जो हमारा उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं कि कोई धर्म का परिवर्तन ना करे। हिंदू धर्म भी अपने आप में जबरदस्ती कोई किसी को धर्म परिवर्तन ना कराए, और ऐसी संख्या बढ़ रही है, इस तरह का माहौल और वातावरण बनाया जा रहा है, तो भारतीय जनता कौन बना रहा है? सवाल तो ये एक सवाल, यही बयान, यही तो चिंता का विषय है। कांग्रेस आखिर कांग्रेस के तरफ से, जदयू के तरफ से, राजद की तरफ से इस तरीके के बयान मैंने देखे। परिवार तो राष्ट्रीयता की बात, तीन लोगों का मैंने जिक्र किया, मेनका गांधी कहती है संघ परिवार जो बीफ राष्ट्रीयता की बात कर रही है, बीफ सप्लाई हो रही है, उससे टेररिज्म बढ़ रहा है। शक्ति महाराज के दो बयान को हमने आपको सुनाया, योगी आदित्यनाथ का बयान सारे लोग जान रहे हैं। एक एक करके संघ परिवार को इसमें बोलेगा क्या? ये नहीं, अभी एक सेकंड उषा विद्यार्थी जी से हम सुन लेते हैं पहले। देखिए, भारतीय संघ का, राष्ट्रीयता का, संघ कोई ये नहीं कहते कि ये धर्म छोड़ो, ये धर्म पकड़ लो, या उसको जबरदस्ती धर्म में परिवर्तन को। संघ एक राष्ट्रीयता की बात करती है, और ये सब लोग जानते हैं कि संघ का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है राष्ट्र धर्म, और राष्ट्र धर्म के हिसाब से वो काम करती है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो सरकार चलाती है, और निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ते हैं, तो इस दृष्टि से जो जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप जो कार्यक्रम नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी और बात करेगी कि भाई क्यों किसी भी अल्पसंख्यक की बात हम करते हैं, तो अल्पसंख्यक केवल
सिख भी अल्पसंख्यक है, केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक की क्यों बात करते हैं? हम भी नहीं तो बात ये सारे विषयों को भारतीय जनता पार्टी समाज के बीच में ले जाती है। अब इसमें आप लोग कहेंगे कि चुनावी एजेंडा है इसलिए एक वातावरण बना रहे हैं हिंदू को यूटिलाइज, तो हिंदू क्या प्रतीत हो रहा है? आपके तीन कद्दावर नेता माने जाते हैं, मेनका गांधी, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? योगी आदित्यनाथ, इन पर इस तरीके की पाबंदी लगाई इलेक्शन कमीशन, इसके बावजूद फिर बयान दे दिया इन्होंने, साक्षी महाराज जी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? है ऐसा कुछ आपको जानकारी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? कार्रवाई कैसे होगी? अगर साक्षी महाराज कोई गलत चीज बोल रहे होंगे तो निश्चित होगी, अगर उन्होंने सही चीजों को रखा होगा और गलत नहीं होगा तो कैसे उस पर? ये साफ तौर से कह रही है कि कार्रवाई आखिर कैसे होगी, गलत उन्होंने कुछ नहीं कहा, यानी कि स्टैंड वही है बीजेपी का। इससे गलत बयान हो नहीं सकता जो श्री साक्षी महाराज जी ने आज दिया है। मैं समझता हूँ जहाँ एक तरफ हमारा संविधान कहता है राइट टू इक्वलिटी विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी, हम समाज के इस हर वर्ग को समानता का अधिकार देना चाहते हैं और समान अवसर प्रदान करना चाहते हैं, हमारा संविधान ये कहता है। प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोलते हैं कि मैं 125 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन उसके बाद आपके MP, आपके मिनिस्टर रोज़ विश्व भ्रमण कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस पर प्रधानमंत्री जी अगर रोक नहीं लगाएंगे तो मैं समझता हूँ आखिर कौन लगाएगा? आलोक रंजन जी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होगा, सवाल हिंदू जागरण मंच हो या इस तरीके के तमाम संगठन जो हैं ये हमेशा सवालों के घेरे में आते हैं। मैं कोई समुदाय विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन सवालों के घेरे में हमेशा लव जिहाद जो विषय है ये हजारों वर्षों से चल रही है, चाहे जोधाबाई का मामला दिए चाहे हम फिर भी ईद दीपावली होली लोग साथ मनाते थे, सही बात मैं बोल रहा हूँ, वही माहौल क्यों नहीं रहने दिया जा सकता? जिहाद की जरूरत नहीं होती, मदरसा जो है सही आलोक रंजन जी है, इसके बावजूद आप मानते हैं हजारों साल से है, अब क्या जरूरत आपको और पड़ी है इस मामले को उछाल कर सियासत खेलने की? विषय अभी गंभीर विषय बन रहा है, समाज को डिवाइड करने की आज पूरे दुनिया इंटरनेशनल साजिश के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है? और ये सुन लेते हैं आलोक जी को सुन लेते हैं फिर हम आते हैं आपके पास आते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश कैसे है, इसके क्या प्रमाण है आपके पास? क्या प्रमाण है आपके पास? मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़े, लोग लिखे हैं, हम कहते हैं कौन लिखे हैं ये तो मैं जानना चाह रहा हूँ। मैंने पढ़ाई कम कर रखी है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर साजिश कहाँ से पनपा, कहाँ से शुरू हुआ ये साजिश? प्यार जो है कोई किसी से करे, हमको इसे कहने में कोई भी किसी धर्म से करे, लेकिन उसका धर्मांतरण क्यों जबरदस्ती? दूसरा धर्मांतरण तो हो ही जाएगा, नहीं दूसरा भी स्वतः हो जाएगा, नहीं स्वतः कैसे? यो शहनवाज हुसैन के यहाँ लव जिहाद है कहाँ? मैं वही तो कह रहा हूँ, एजाज अली साहब उनका ईद भी मनाई जाती है और वो मुझे निमंत्रण भेजते हैं, उनका दीपावली और होली भी मनाई जाती है, अच्छे से रह रहे हैं। लव जिहाद, मैं इसका जवाब दे रही हूँ, लव करने के बाद जैसा जिहाद जो कह रहे हैं, लव करने के बाद पूर्ण साथ में रहे, अब ये नहीं कि जबरदस्ती हम दबाव बनाए कि जैसा हम कर रहे हैं। आपको एग्जांपल दे दिया, आपको एग्जांपल दे दिया, उषा जी को सुन लेते हैं, उषा जी को सुन लेते हैं, हम आपके पास भी आते हैं, चली गई किसी और घर, दबाव नहीं किया कि आप मेरा धर्म मानिए या मैं जैसा कहता हूँ वैसा आप करिए, तो साथ रह रहे हैं। देखिए इस्लाम अभी आ रहे हैं, इजाज अली साहब आपके पास भी हम आ रहे हैं, और शादी करके जबरदस्ती की मेरे धर्म में आप वैसा करें और संबंध टूट जाए, लव टूट जाए, ये जबरदस्ती हुआ, ये जबरदस्ती हुआ। एजाज अली साहब आपके पास आना चाहेंगे, तारा शाहदेव जी का बयान हमने कुछ वक्त पहले आपको दिखाया था, खास तौर से ये कह रही कि कोहली के इर्द गिर्द ग्रीन करेंसी, भारत का नहीं है ग्रीन करेंसी, बाहर का करेंसी है, वो विक्टिम है फिलहाल, मामला इन्वेस्टिगेट हो रहा है, वो बार बार डिमांड कर रही है कि NIA इसको इन्वेस्टिगेट करे, यानी कहीं ना कहीं वो सवाल खड़े कर रही है कि क्या इसमें किसी तरीके का आतंकवाद का हाथ है, क्या जो खाड़ी के देश हैं उसका इसमें विली भगत है? जैसे साक्षी महाराज कह रहे हैं कि तकरीबन 10 लाख रुपये दिए जाते हैं अगर हिंदू की लड़की को कन्वर्ट कराते हैं आप इस्लाम में, आप बताएंगे आखिर तारा सहदेव के बयान को यूं ही दरकिनार कर दिया जाए? वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। देखिए जब वो कह रही हैं कि NIA इसका इन्वेस्टिगेशन करे तो इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, उसमें कहां किसी को रोका, लेकिन उन्होंने देखा है वो कह रही हैं इस तरह और चर्चा में हमें उनकी बातों को भी लाना ही पड़ेगा, हम लोग कहां इसमें रुकावट बनते हैं, लेकिन एग्जाम थोपना कि 10 लाख दे के कन्वर्शन कराया था, 20 लाख दे कन्वर्शन कराया, वो तो बहुत सी चीजें हम भी बोल सकते हैं, लेकिन हम गोयबल्स के फॉलोअर्स नहीं रहे हैं, इस मुल्क को जो है तो बर्बाद करने के लिए, इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए हम गलत गलत बात बोल के मुल्क के सिचुएशन को खराब करें। मिशन है प्रेमचंद जी के पास, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, इसमें मैं एक चीज़ इसलिए ऐड करना चाहता हूँ कि आखिर लव जिहाद करके ये चीज़ें पिछले 1.5 महीने 2 महीने से ही क्यों तेजी से आई है। मैं स्पष्ट कर दूँ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, RSS और BJP, RSS के ज़्यादा BJP के कम, कई ऐसे प्रमुख नेता हैं जिन्होंने विवाह किया ही नहीं है,
अपने जीवन में, और कुछ विवाह किया भी है तो पत्नी को छोड़ दिया है। तो इन लोगों के अंदर एक स्वाभाविक कुंठा है, जो लव करना नहीं जानते, लव शब्द को नहीं समझते हैं। लव कहीं भी किसी भी, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, धर्म इसमें कहीं नहीं आड़े आता है। अगर कोई स्वेच्छा से दो व्यक्ति साथ मिलकर रहना चाहता है, विवाह करके रहना चाहता है, तो इसमें तीसरे को क्यों आपत्ति है अगर वो बालिग है तो? तो मैं समझता हूँ इसको राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने के लिए। प्रेमचंद जी, कम से कम ये बात देखिए, प्रेमचंद जी की बात से हम इत्तेफाक तो रख सकते हैं। अगर लड़का लड़की एक साथ रहना चाहते हैं तो रहने दिया जाए, हाँ, लेकिन अगर तारा सहदेव जैसा मामला होता है जहां जबरन धर्म परिवर्तन की बात आती है, तो वैसे मामले को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट हो जाने दीजिए। आती है, मारपीट होती है और जबरदस्ती उसको प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ित करके कहा जाता है कि मेरे धर्म को अपनाने की बात वो पुलिस के पास जाए ना, वो राजनेताओं के पास, राजनेता क्यों उसका फायदा उठा रहे हैं? यही तो मैं आखिर यहां तेजी से बढ़े। आप परसों के अखबार में आपने देखा होगा कि 20,000 रुपए देकर और उसके धर्म परिवर्तन के लिए किया गया और पुलिस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। फिर अभी भी वो उनके अंदर में वो बंद है, उनके पास है घर, वो नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह का एक सर्वे करिए और देखिए कितना मदरसों में राष्ट्रीयता की शिक्षा नहीं दी जाती है, वहाँ आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। साक्षी महाराज के बयान के लिए क्यों घूम रहे हैं? ये तो कई दिनों से दिमागी फितूर से भरे हुए लोग हैं। मदरसों में राष्ट्रीयता की शिक्षा नहीं दी जाती है, वहाँ आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। साक्षी महाराज के बयान के लिए क्यों घूम रहे हैं? ये तो कई दिनों से दिमागी फितूर से भरे हुए लोग हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सियासी जिहाद की। प्रेमचंद मिश्रा जी, आपके पास आना चाहेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अभी बीजेपी में कहीं ना कहीं, आप पहले भी इशारे में कह चुके हैं, थोड़ी सी बौखलाहट लग रही है। उपचुनाव के नतीजे एक कारण हो सकते हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि उत्तराखंड में उपचुनाव के नतीजे आए, बिहार में उपचुनाव के नतीजे आए। क्या आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी जिस तरीके से आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं कई राज्यों में, उसकी भूमिका तैयार होनी शुरू हो गई? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े प्लान्ड वे में अपने मंत्रियों को, नेताओं को लगाया हुआ है कि आप इस तरह का बयान देते रहे ताकि मीडिया में बस इसी पे चर्चा हो। वो चाहते रहते हैं कि उनके इशू पे चर्चा हो, एजेंडा वो तय करते हैं कि आज दिन में क्या डिस्कशन हो। परिणाम तो काफ़ी विस्फोटक होगा इसका। परिणाम विस्फोट, उनको इससे क्या मतलब है? उनको इससे मतलब नहीं, उन्हें वोट चाहिए। आप याद करिए 89-88 में जब शिला पूजा स्टार्ट हुआ, क्या एज ए हिंदू, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं जानना चाहता हूँ शिला पूजा के नाम पर जो पैसे इकट्ठे किए गए, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनेगा, क्या हुआ? कल्याण सिंह जी की पूरी 5 साल सरकार रही, केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार रही, किसने रोका? क्यों नहीं अयोध्या में मंदिर बना? इन्हें मंदिर नहीं बनाना था, इन्हें मंदिर के नाम पर राजनीति करनी थी। वही मैं आप बार बार कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी या RSS या जो भी हिंदू जागरण मंच या जो भी इनकी संस्थाएँ हैं, ये तमाम लोग पाखंडी हैं। इनको कहीं भी नैतिकता नहीं है, सिद्धांतों के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है। उषा विद्यार्थी जी, आपकी बात नहीं करना चाह रही उषा, एक मिनट, लेट मी फिनिश, फिर बोलेंगी। इन्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं कि राम का मंदिर बने, इन्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं कि हिंदू धर्म का कैसे रक्षा हो, इन्हें सिर्फ हिंदू और राम के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना आता है, जिसके लिए कहीं ना कहीं काबिज हो जाए, बस ये मकसद है। उषा विद्यार्थी जी, खंडन करना चाह रही हैं आप। पूछना चाहती हूं कि क्या वहां अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था? क्या वहाँ राम की पूजा नहीं होनी चाहिए? आपको थी? किसने रोका? आपको क्या मंदिर बनाने से किसने रोका? या हिंदू कल्याण सिंह, एक सेकंड, आप लोगों को रोकना चाह रहा हूँ। हमारे प्रोग्राम को अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, राजद के कद्दावर नेता, काफी लंबे वक्त से देख रहे थे, उन्होंने फोन किया है, वो भी अपनी टिप्पणी रखना चाहते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, आप तक अगर हमारी आवाज आ रही है, आप रख सकते हैं अपनी बातों को। नहीं, आपकी आवाज तो आई, क्या आप जानना चाहते हैं बताइए। आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारी चर्चा का विषय है सियासी जिहाद। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि हाल के दिनों में 27 अगस्त 2013 में मुजफ्फरनगर में भड़काऊ भाषणों की वजह से एक भयानक दंगा हुआ,
दर्जनों लोग मारे गए, मासूमों की जान गई। हमने जाना कि किस तरीके से जौली नहर पर दो समुदाय के लोग भिड़े, जिंदा जलाया गया लोगों को, और भड़काऊ भाषण के बाद जो कार्रवाई हुई वो भी हमने देखा। अब हाल के दिनों में एक टर्म चल रहा है लव जिहाद का, या फिर साक्षी महाराज जी के बयान को हम गौर फरमाएं कि किस तरीके से मदरसों में राष्ट्रवाद के खिलाफ पढ़ाई होती है, आपकी टिप्पणी चाहिए। देखिए ऐसा है कि जो लव जिहाद का जो मामला आ रहा है या साक्षी महाराज ने जो बयान दिया है, तो मुझको लगता है अपने मुल्क में वर्षों से एक वैचारिक लड़ाई चल रही है। एक विचार के मानने वाले वे लोग हैं जो साक्षी महाराज जी हैं और दूसरे लोग हैं, और लव जिहाद का एक टर्म जो है प्रचारित और प्रसारित किया है। मगर क्या है कि जो अपना मुल्क है, इस मुल्क का इतिहास भी जानना चाहिए, इसकी आजादी की लड़ाई को भी जानना चाहिए, उसकी कुर्बानियों को भी जानना चाहिए, और फिर जो देश जो है अपना, इसका संविधान को भी जानना चाहिए। मगर अब जिस संविधान ने में जिस संविधान का एक मजबूत खंभा हो कि साहब सॉवरेन इंडिया होगा, डेमोक्रेटिक इंडिया होगा, सेकुलर इंडिया होगा, तो जब एक पक्ष, एक विचार के लोग जब सेकुलर इंडिया की बात करते हैं, सेकुलर समाज की बात करते हैं, तो दूसरे विचार के लोग यह मानते हैं कि नहीं साहब ये तुष्टीकरण की राजनीति है। फिर दूसरी बात है कि आजादी की लड़ाई का इतिहास हमने इसलिए कहा कि अब साक्षी महाराज जी माननीय सांसद हैं एक पॉलिटिकल पार्टी में, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और रूलिंग पार्टी के वो सदस्य हैं, तो मुझको लगता है कि बुद्धि में हम लोगों से बहुत ज्यादा होंगे वो। मगर अब क्या है कि उनको मालूम नहीं है कि यही दारुलूम देवबंद और नदवा और बहुत सारे मदरसे आजादी की लड़ाई का केंद्र बिंदु हुआ करता था। मगर आज जो आजादी की लड़ाई का केंद्र बिंदु हुआ करता था उस पे उंगली कौन उठा रहा? उंगली वो, उदाहरण के तौर पर हम सिविली एकेडमी की ही बात कर लें, पूरी दुनिया में स्थापित है इसका नाम जी। उदाहरण के तौर पर हम सिविली एकेडमी की ही बात कर लें। हाँ जी जी जी, नहीं मेरा कहना है कि इन इन प्रतिष्ठित संस्थानों का जिसका एक इतिहास रहा है आजादी की लड़ाई से अब तक के देश के कॉमनल हारमोनी में, उस पर उंगली कौन उठा रहा है? उस पर उंगली वो उठा रहा है जिसका आजादी में कोई इतिहास नहीं है, और जो समाज को न समझता है, न संविधान को समझता है, और संविधान के विपरीत। चलिए आपकी बातों पर एक टिप्पणी लेते हैं हम उषा विद्यार्थी जी से, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, उषा विद्यार्थी जी टिप्पणी करना चाहती हैं आपकी बातों पे। उषा विद्यार्थी जी एक बात और कहना चाह रहे थे। खैर जी जी जी, हाँ बता सकते हैं आप, अपनी बात पूरी कर लें, पूरी कर लें। नहीं आप उषा विद्यार्थी जी से, आप उषा विद्यार्थी जी से या और भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोगों से पूछिए कि सुशील मोदी की शादी लव जिहाद के दायरे में है या नहीं। जवाब देंगे उषा विद्यार्थी जी। शादी जो है लव जिहाद के दायरे में है या नहीं? शाहनवाज हुसैन की शादी लव जिहाद के दायरे, शाहनवाज हुसैन की शादी लव जिहाद के, इसमें ये सवाल कर रहे हैं। सिद्दीकी साहब आपके भी लव जिहाद में ही है, लेकिन विद्यार्थी जी कह रही हैं आपकी शादी भी लव जिहाद के दायरे में नहीं आ सकती। भाई हमारी शादी लव जिहाद में आए या ना आए ये हमारी पत्नी से पूछिएगा, और मेरे ससुराल वाले से पूछिएगा, और मेरे हिंदू दोस्तों से पूछिएगा जो। और दूसरी बात यह है कि रंजीत कोहली जो एक फ्रॉड किस्म का आदमी है, फ्रॉडिज्म करके समाज में बुराइयां फैला रहा है, वो हिंदू रीति रिवाज से शादी करता है और बाद में कहता है कि साहब हम रकीबुल हो गए, उसको आप एक समुदाय से जुड़ रहे हैं। अरे वो आदमी कौन था? उसने शादी किस तरह से की? उसकी शादी में कौन कौन लोग शामिल हुए? और फिर वो किस परिस्थिति में रकीबुल बन गया, बना या नहीं बना, या अपने स्वार्थ में रकीबुल नाम का इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी चीजों पे बहस होना चाहिए और सही से पड़ताल भी होनी चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद आपका अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। आलोक रंजन जी टिप्पणी करना चाहेंगे। लव जिहाद का जो है, इसमें हम अपने देश भर में हिंदू माताओं और बहनों से आग्रह करना चाहते हैं कि जिस तरह
ये फ्रॉडिज्म करके, ये जिहाद करके, इस्लामिक के कारण से, इस्लाम के कुरान के कारण से, जो कुरान की 24 आयतें बोलती है कि काफिर के साथ ये करो, तो ये हाथ में बद्दी बांधना, गले में भगवान का लॉकेट पहनना, माथे पर तिलक करना, हिंदू नाम रख के हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू माता बहनों के साथ जाके संपर्क करती है, तो मैं वैसे माताओं बहनों से देश भर में आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करना चाह रहे हैं भाजपा दूसरे तरीके से आग्रह करना चाह रही है, शायद कहीं ना कहीं इंटेंशन मतदाताओं की ओर है, इन आशा इस्लामी वक्त की कमी है, आलोक रंजन जी वक्त की कमी है, उषा विद्यार्थी मेरा यही कहना है, जो हमारी आलोक रंजन जी उषा विद्यार्थी को भारतीय जनता पार्टी उसका सख्त विरोध करती है और करेगी भी। क्या कार्रवाई करेंगी आप, कार्रवाई करेंगी महंत आदित्यनाथ के खिलाफ, साक्षी महाराज जी के खिलाफ? देखिए साक्षी महाराज जी के खिलाफ कार्रवाई का सवाल नहीं है, मुझे संगीत सोम को अपने जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी थी, मुझे गिरफ्तार हुए थे भड़काऊ भाषण में मुजफ्फरनगर में, उसके बाद तो जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी गई थी। जो बलात्कार का दोषी हो कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में, समय के हिसाब से बाकी सब जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कभी कम्युनल हो जाएंगे, कभी सेकुलर हो जाएंगे, इन लोगों में हम नहीं पढ़ना चाहते। हमारा मूल मंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी सद्धर्म सद्भाव रखती है, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती किसी के साथ जी, एक मिनट, धर्म परिवर्तन करना प्रेमचंद मिश्र जी, आलोक रंजन जी, आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि ताजा खबरों के लिए बने रहें जी पुरवैया के साथ। मदरसों में राष्ट्रीयता की शिक्षा नहीं दी जाती है, वहां आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। साक्षी महाराज के बयान के लिए क्यों घूम रहे हैं? ये तो कई दिनों से दिमागी फितूर से भरे हुए लोग हैं।